क्यों? उसे प्रभात के साथ जाने की क्या जरूरत थी? आप गुस्सा क्यों करते हैं? प्रभात उसे बहन मानती है, और भाई के साथ बहन चली गई तो कौन सी महाभारत अशुद्ध हो गई? वो मेरा सिर शर्म से झुकाकर ही छोड़ेगी। आजकल तो तुम प्रभात के साथ बहुत घूमती फिरती हो ना? क्यों, तुम्हें जलन हो रहा है? जलन नहीं, दुख हो रहा है मुझे। क्या, तुम्हें दुख क्यों हो रहा है? दुख हो रहा है हाँ, क्योंकि तेरी चर्चा गांव के सभी के मुंह पे है और मैं ये सब सह नहीं पाता। क्या एक बात आपको मालूम है? कौन सी बात सर? आपकी बेटी प्रेग्नेंट थी 3 महीने की। तुम्हारे गांव में रेलवे में नौकरी करने वाला कोई है क्या? हाँ है, हरेन बोरा और जतिन पाठक है, वे दोनों रेलवे में नौकरी करते हैं। ठीक है, अब तुम जाओ। ठीक है सर, चलता हूँ। चलो। सर मुझे लगता है ये घटना प्रेमजनित है। उस लड़की से प्रभात दास और जोगेन बोरा दोनों प्यार करते थे। मेरे ख्याल से बरभगवती गांव के नारायण दास नाम के लड़के ने जब उस लड़की से शादी करने को निकला, तब जोगेन बोरा और प्रभात दास दोनों इस बात को आसानी से हजम नहीं कर पाए। असलियत में बात वो नहीं है, बात तो यह है कि लड़की प्रेग्नेंट थी और विलेज सोसाइटी के लिए बहुत शर्म की बात है। ऊपर से वो उच्च कुल की लड़की थी, जिसने भी ये खून किया सामाजिक मर्यादा बचाने के लिए किया है। अब हम 3 लोगों पे शक कर सकते हैं, प्रभात दास, जोगेन बोरा और नारायण दास। प्रभात दास बचपन से ही मनीमा से प्यार करता था। उस दिन प्रभात दास भी भावना देखने गए थे और रूपाली के द्वारा मनीमा को बुलाकर लाया था, और पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अनुसार लड़की को खून करने से पहले रेप किया था। उस तरफ से वो शक से बाहर नहीं है। अब रहा जोगेन बोरा, वो बचपन से मनीमा से प्यार करता था, हमें उसका भी बयान लेना होगा। देखते हैं उससे क्या राज निकलते हैं। अब रहा नारायण, जिसने मनीमा से शादी करना चाहता था, पर अब तक वो पूरी तरह शक के घेरे में नहीं है। लेकिन इन तीनों से इस बूटाम की क्या संबंध हो सकती है? सो तो है। परसों मेरे घर में 2 मेहमान आए हैं, चलिए उनसे मुलाकात करवाता हूँ। जी चलिए। आप आ गए? मिस्टर लकर। हाँ। आप हैं अनन काकोती। नमस्ते। सिलघाट आउटपोस्ट की इंचार्ज। जी, आप दोनों से मुलाकात करने आए हैं। अच्छा अच्छा, तो मिस्टर सेतिया, आपकी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताइए, कितने सक्सेस हुए? केस जरा कठिन है। जरा कहिए तो। ठीक है, सुनिए। बात यह है कि उस दिन रात मनीमा भावना देखने गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? खून करने से पहले उसे रेप किया गया और वो प्रेग्नेंट भी थी।
हमें डेड बॉडी के हाथ से एक बटन मिली है। वो बटन आपके पास है क्या? जी देखिए, ये उस कोट की मालिक की साथी की बाल है, पर ये बाल तो सफेद है। शायद इस कोट का मालिक यंग नहीं, एजेड होगा। जरा मुझे भी दिखाइए। ले लीजिए। इस बाल ने हमें और एक नए राज की तरफ ले गए। ये उस खूनी की नहीं भी हो सकती है। मेरे ख्याल से प्रभात दास कोट नहीं पहनते। शायद वो खूनी नहीं है। घटना बड़ी रोमांचक है। इसका मतलब रास निकालने में और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वेरी इंटरेस्टिंग। अगर कल हमें जाना नहीं होता तो रास निकल कर ही जाते। कल जाना है मतलब? हाँ, यहाँ हमारा काम खत्म हो गया, हम लोग कल ही लौटेंगे। नहीं नहीं, आप लोगों को जाने नहीं देंगे, कम से कम इस केस के राज नहीं निकलने तक, क्योंकि आप लोगों को ही इस केस को सॉल्व करना होगा। आपके जैसा पुलिस ऑफिसर होते हुए हम केस सॉल्व करेंगे? हो ही नहीं सकता। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए लहकर, हमारे रिक्वेस्ट का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर हैं। हम आप लोगों से इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं समझ गया मिस्टर चिटिया, अगर हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे तो हम भी हाथ में हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम भी आपकी मदद करेंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। आपका नाम प्रभात है? जी हाँ, मैं ही प्रभात हूँ। आप मनीमा से प्यार करते थे, ये सच है ना? हाँ, ये सच है कि मैं मनीमा से प्यार करता हूँ, वो भी मुझसे प्यार करती थी, लेकिन हमारे बीच में एक दीवार थी, हमारा कुल। क्या आप इस तरह से मनीमा से शादी कर सकते थे? सामाजिक रिवाज से तो हमारी शादी नामुमकिन थी, इसीलिए हमने कोर्ट मैरिज करने का फैसला किया अगली रंगाली बिहू से पहले। भावना के दिन आप सोनारी गांव गए थे? जी हाँ, गया था। उसी दिन भावना से मनीमा को बुलाकर दूसरी जगह ले गए थे? झूठ है। हम झूठ नहीं कहते। मनीमा को मैंने बुलाकर नहीं ले गया था। हाँ मान लिया, आपने उसे बुला के नहीं लेके गया था, खुद आपके पास हो गई थी, लेकिन उसके बाद आपने उसे रेप करके खून कर दिया। ये झूठ है। अगर पुलिस चाहे तो आपको इसी वक्त गिरफ्तार कर सकते हैं। आपके नाजायज कामों की पुलिस के पास सबूत भी है। जिस लड़के से मैं प्यार करता था, जिससे मैं शादी भी करने वाली थी, उस लड़की को मैं कैसे खून कर सकता हूँ? मनीमा के खून आपने ही की है, और ये पूरी तरह से प्री प्लानिंग था। आप लोग मेरा विश्वास कीजिए, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूँ, मैंने कोई खून नहीं किया। झूठ मत बोलिए। उस रात भावना से कुछ ही दूरी पर आप अकेले खड़े थे, और मनीमा के सहेले के द्वारा आपने मनीमा को वहां बुलवाया था, और उसके बाद आपने मनीमा के साथ जबरदस्ती रेप किया। उस समय मनीमा प्रेग्नेंट थी। मनीमा के पेट में पली हुई बच्चा आपका था, और उसे आजाद होने के लिए आपने मनीमा को मार डाला।
क्या ये झूठ है? ये भी झूठ है। ऐसा मत कीजिए, हमारे घर की मान सम्मान की बात है। इसलिए कह रहा हूँ, उस रात क्या क्या हुआ था साफ साफ बताइए। अरे कहिए। हाँ, मैं उस रात को वहां गया था। रूपाली रुको तो। क्या हुआ? मनीमा नामघर में है, उसको जाके अच्छा? बोलना मैं यहाँ पे हूँ। हाँ। उसकी इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है, जाओ। चलाने के लिए। अच्छा, अब बोलो क्या जरूरी बात। दरअसल प्रभात, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। 3 महीना चल रहा है। तुम सच कह रही हो? हाँ, तुम्हारे सर की कसम। अब हमें शादी कर लेनी चाहिए प्रभात। अगर घर वालों को पता चल जाएगा तो भगवान जाने क्या होगा। मनीमा, तुम फिक्र मत करो, अगले महीने कोर्ट में हम शादी कर लेंगे। सच? हाँ। ओ प्रभात। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं मनीमा को वहां छोड़कर चला आया। आप फिर से झूठ बोल रहे हैं। उसके बाद आपने मनीमा के साथ बलात्कार किया? नहीं सर, ये झूठ है। मैं मनीमा के साथ बलात्कार नहीं किया। हम जब बातें कर रहे थे तभी वहां किसी की पैरों की आहट सुनी थी। प्रभात, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ प्रभात। और मैं भी। तुम अभी जाओ, जाकर भावना देखो, मैं भी चलता हूँ। ठीक है, बाय। हाँ। तो आपने मनीमा की बलात्कार नहीं किया? नहीं सर, आप मेरा यकीन कीजिए। आप जा सकते हैं, याद रखिएगा आपकी किसी भी वक्त जरूरत पड़ सकती है। ठीक है सर। अब हमें जोगन से मिलना होगा। जी हाँ, आप सही बोल रहे हैं। अच्छा, प्रभात के बारे में क्या ख्याल है? शायद उसने सच कहा है। तो फिर वो खूनी नहीं है? नहीं, एक शिक्षित लड़का सबूत रख के खून नहीं करेगा, क्योंकि उसने रूपाली के द्वारा मनीमा को बुलवाया था। इससे साफ जाहिर होता है हत्या के इरादे से उसने मनीमा को नहीं बुलवाया था। हो सकता है कामना वासना का इरादा हो। हाँ, और एक बात, हत्या के पहले मनीमा के बलात्कार के सवाल ही नहीं पैदा होती। मनीमा खुद उसे सौंपी होती। ऐसा भी हो सकता है, जब मनीमा ने कहा कि वो प्रेग्नेंट है तो कानून के दर से शायद प्रभात ने उसे मार डाला हो। प्रभात दास जैसा अमीर लड़का अपने को खतरे या कलंक से बचाने के लिए ऐसा नहीं करेगा। तो फिर मनीमा को बलात्कार करने वाला ये दूसरा व्यक्ति कौन है? देखते हैं राज कहां से निकलते हैं। वो
महिलाओं का होता उत्थान, युवा प्रतिभाओं को मिला सम्मान, सरकारी प्रयासों से आती खुशहाली, खेतों में फैली खुशियों की हरियाली, विकास देता हर प्रश्न का उत्तर, अपनी कहानी कहता पूर्वोत्तर। देखिए पहली किरण, पूर्वोत्तर की कहानियां, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:30 पर। कोई है घर में? कोई है? जी आप लोग आइए आइए बैठिए। नहीं यही होगा, आपका बेटा जोगेन घर में है? ए बोलू। जी पिताजी। शायद घर में नहीं है। नहीं है साहब, जोगेन शायद फतिक के घर में गए हैं, जाके बुला के ला जा। जी। जी बैठिए। आप जोगन के पिताजी हैं? जी हाँ, वो मेरा बेटा है और ये बेटी। साहब उसने कहीं कुछ किया है क्या? नहीं नहीं आप चिंता मत कीजिए, हम उसे बस दो एक सवाल पूछेंगे। पिताजी, भैया वहाँ नहीं है, चाचा के साथ सिलघाट गए हैं। तुझे किसने कहा? चाची ने। जा। अच्छा अब हम चलते हैं, कल सुबह उसे एक बार थाना भेज दीजिए। साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए। उसने कोई अपराध तो नहीं किया ना? आप डरिए मत, उसे कुछ नहीं होगा, कल सुबह एक बार उसे भेज दीजिए, ठीक है? जी। चलिए। जी सर। ये फाइल आप जाके एसपी ऑफिस में लेके आइए। जी। नमस्ते सर। नमस्ते, आइए बैठिए। जी सर। आप है जोगेन बोरा, कहानी का दूसरा नायक। तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया मालूम है? नहीं सर, मुझे मालूम नहीं। हम तुम्हें तुम्हारे गांव के मनीमा नाम के लड़के के बारे में कुछ पूछताछ करेंगे। मनीमा? मनीमा को तुम नहीं पहचानते? पहचानता हूँ सर, वो हमारी गांव की लड़की है। सिर्फ गांव की लड़की है, यही पहचान है? तो तुम मनीमा से प्यार करते थे? हाँ सर, मैं मनीमा से बहुत प्यार करता था। और मनीमा? वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। सुना है नारायण भागवती नाम के एक लड़के के साथ मनीमा की शादी होने वाली थी और मनीमा भी शादी के लिए राजी हो गई थी। वो सब उसकी दिखावा थी सर। और जखलाबंधा के प्रभात दास? प्रभात के साथ मनीमा की क्या संबंध थी? मुझे नहीं मालूम सर। तुम झूठ बोल रहे हो। क्या हुआ, जवाब दो या जेल जाने का इरादा है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि उन दोनों के बीच इतनी बुरी संबंध था। मनीमा ने मुझे क्यों धोखा दिया? कैसा धोखा? वो लोगों से कहती फिरती थी कि वो प्रभात को भाई मानती है, लेकिन वो झूठ कहती थी। वो इतनी चरित्रहीन थी, मैं सोच ही नहीं सकता हूं सर। वो चरित्रहीन थी तुम्हें कब मालूम हो? भावना के दिन। आहा। 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 आहा।
क्या किया था उस दिन मनीमा ने? भावना के दिन प्रभात भी आया था, लेकिन वो भावना में ना रहकर थोड़ी दूरी पर था और रूपाली के द्वारा उसने मनीमा को बुलवाया था। उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है सर। तुमने फिर से जूत बोला, इसलिए मुझे हंसी आ गई। मनीमा जब रूपाली के साथ भावना से निकल गई, तुमने पीछा नहीं किया था? पीछा किया था सर। उसके बाद? मैं उन लोगों का बात सुनता रहा। फिर? कुछ देर बाद प्रभात वहां से चला गया। और मनीमा? वो वहीं खड़ी थी। नहीं, प्रभात के जाने के बाद तुम मनीमा के पास गया था। तुमने मनीमा से प्यार किया था ताकि तुम अपनी वासना पूरी कर सको। अगर तुम दिल से मनीमा को चाहता तो तुम कभी मनीमा की बलात्कार नहीं करते। तुमने उसकी बलात्कार किया और तुमने ही उसकी खून किया। नहीं, मैंने मनीमा की खून नहीं किया सर। मैंने मनीमा की खून नहीं किया। तुमने मनीमा की बलात्कार की? हाँ सर। मैं उन दोनों की बातें सुनता रहा, आखिर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने जोगेन, तुम यहाँ? क्यों, मेरा यहाँ आना अपराध है? नहीं, मेरी कहने का मतलब ये नहीं है। तो फिर क्या है? मैंने सब कुछ सुन लिया है। ये तुम क्या कर रहे हो जोगेन? देखो जोगेन, मुझे छूना मत, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे साथ ऐसा मत करो जोगेन। क्या कर रहे हो जोगेन? छोड़ो, छोड़ो मुझे जोगेन! जोगेन! तुम्हें एक काम करना होगा। कैसा काम सर? यहाँ जिन जिन के पास रेलवे कोच है उसका एक लिस्ट बनाना। ठीक है सर। हाँ, और एक काम करना, तुम सोनारी गांव भी जाना और वहाँ भी जिन जिन के पास कोच है उनका भी एक लिस्ट बनाना। जी सर, मैं आपको कल ही देके आऊंगा। ओके, पर एक बात की ख्याल रखना, इस बात की खबर हमारे अलावा किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। आप लोग बेफिक्र रहिए सर, अपराधी को पकड़ कर हम जितनी जल्दी हो सके लौट आएंगे। तो आपने खूनी को पहचान लिया? अभी तक तो नहीं, लेकिन वहां जाते ही पहचान लूंगा। अब हंसे क्यों? हम इसी तरह से खूनी को पकड़ते हैं, रूल ऑफ थ्री के जरिए।